रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भिखारी की तरह तो बहुत जी लिए, लेकिन अब राजा की तरह जिंदगी बिताएंगे इस राशि वाले लोग। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बता रहे हैं जिन पर देवों के देव महादेव अब मेहरबान होने वाले हैं। ये राशि के लोगों पर पूरे 300 सालों के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हो रही है, जिससे ये लोग अब राजा की तरह जीवन बिताने वाले हैं। ये राशियों के करोड़पति बनने के दिन अब आ चुकी हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 जुलाई को श्रावण मास की शुक्ल पंचमी तिथि पड़ रही है, जिसे हम सब नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस दिन नागों एवं सांपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यह तिथि पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि होती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, वह इसके साथ ही नागों को दूध चढ़ाता है, उन लोगों से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी कष्टों को भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप इस दिन किसी कारणवश नागों की पूजा व उन्हें दूध नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस दिन शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ जी के आगे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला दीजिए और दोस्तों दीपक में 2 लौंग भी डाल दीजिए। दोस्तों, ये दोनों लौंग साबुत होने चाहिए, यानी कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप कर लें और फिर आरती कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, वह भगवान शिव अगले 21 दिनों के भीतर ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनके ऊपर इस दिन से भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन राशि वालों का अब आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का और कष्टों का अब अंत महादेव करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। यह राशि वाले लोगों के घर में जमकर अब खुशियों की बरसात होने वाली है। परिवार में आपके खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपको अपने व्यापार में पहले से अधिक धन लाभ देखने को मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। इसके साथ ही वेतन में भी आपके वृद्धि देखी जाएगी। दोस्तों, महादेव का नाम लेकर आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर बन रही है। आप लोगों को बहुत से अच्छे परिणाम मिलने के योग अब बन रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे। आपके आत्मविश्वास का अब स्तर बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। संपत्ति के कार्यों में अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। वाहन खरीदारी का मन भी आप बना सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय फायदेमंद साबित होगा। प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता आएगी। आपको अपने हर कामकाज में सफलता हासिल होगी। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं कारगर साबित हो सकती हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात कर सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दूर हो सकती है। पूजा पाठ में आपका अधिक मन लगेगा। आपका मन इस दौरान
दौरान शांत रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हम यहाँ पर जिन राशि वालों की बात कर रहे हैं वे राशियाँ हैं मेष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।